अयोध्या जिले के सोहावल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत लखौरी में बन रहा मकान एक पत्रकार को भी अब मिल रही है शासन प्रशासन की तरफ से धमकियां। हिंदी दैनिक अवध की दुनिया समाचार पत्र के क्राइम रिपोर्टर रविंद्र कुमार द्वारा अपने ही पैतृक भूमि पर मकान बनवाया जा रहा था। कुछ दबंग व अपराध किस्म के लोगों द्वारा तहसील प्रशासन से फोन करवाकर भेजा, पुलिस जाँच पड़ताल करके चली गयी। जब पीड़ित पत्रकार का नक्शा भी दुरुस्त है और उसके पास गाटा संख्या 989 भी है, फिर भी शासन प्रशासन के लोगों द्वारा निर्माण रुकवाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहते हैं कि पत्रकार साथी की अगर अपने ही भूमि पर मकान बनाने से अब दिक्कत होगी तो लोग कहां जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर पत्रकारों में आक्रोश है। अब अगर ऐसे पत्रकारों के साथ हो रहा है तो आए दिन लोग परेशान होंगे और अपनी ही जमीन पर घर बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। पत्रकारों द्वारा उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अब इसका न्याय उच्च न्यायालय अयोध्या में मुकदमा कराया जाएगा और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी करवाई जाएगी, क्योंकि कुछ लोग देश के चौथे स्तंभ को कमजोर समझ रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों को दिखा देना है कि एक पत्रकार कितना स्वतंत्र और मजबूत है। हमारा मामला ये है कि हम अपने चेक में अपना घर बनवा रहे हैं और कुछ विपक्षी लोग हमारा मकान बनाने के लिए रोक दी। किस पर बना रहे हैं? तो अपने खतौनी में बना रहे हैं। अच्छा। और नक्शा में भी हमारा है। तो कौन रुकवा रहा है? हमारा वो नेपाल मैडम ने रुकवाया है। अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि मतलब हम आएंगे देखेंगे तभी उसके बाद काम होगा। हमारे चेक में भी और नक्शे में भी हमारा पूरा रकबा है, फिर भी वो रोक दिए। किसी से शिकायत उकायत किए थे? हमने शिकायत भी की थी SDM साहब से, DM साहब से भी बात किए थे और तहसीलदार से भी बात किए थे। SDM साहब के पास हमने फ़ोन भी किया था, उन्होंने कहा कि कुछ बात बोले कि हाँ बोल, कौन बोल रहे हैं? तो हमने कहा हम करंट रिपोर्टर रविंद्र कुमार बोल रहे हैं। और उसके बाद कुछ बात ही नहीं किए, फ़ोन भी काट दिए। फिर उसके बाद दो बार फ़ोन लगाए तब भी कोई जवाब ही नहीं दिए। अच्छा, ये पैतृक संपत्ति है क्या आपकी? जी, हमारी पैतृक संपत्ति है। तो उसके बाद किसी से और बात बात हुई थी? उसके बाद बात हुई थी हर अधिकारियों से, तब भी कोई सुनवाई हमारी हो ही नहीं रही, हमारा काम ही रुक गया। बताइए, हम अपने चेक में बना रहे हैं तब भी हमारा काम रुक जा रहा है, तो ऐसा कौन सा अन्याय हम कर रहे हैं? अपने ही चेक में तो हम बना रहे हैं। तो क्या आप क्या करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, हम अपने चेक में बना रहे हैं, हमारा नक्शा में भी है और हमारे खतौने में भी है। हमारा काम क्यों रुकवा दिया गया है? किस आधार पर हमारा काम रुकवा दिया गया है? मतलब शासन प्रशासन के लोगों के जो है आपके साथ जो है वो क्या बोलते हैं, आपके काम में रुकवा दिया गया है? जी, हमारा काम रुकवा दिया गया है। कोई सबूत कोई कुछ दिया नहीं, जैसे फ़ोन से बता रहे हैं कि मतलब काम रोक दीजिए। तो नेपाल मैडम के पास हमने फ़ोन भी किया था, वो बोले कि हम छुट्टी पे हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है, क्राइम रिपोर्टर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।